अर्थ के साथ साथ और भी कई प्लैनेट्स का जन्म हुआ और इन प्लैनेट्स के जन्म से सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। लेकिन जीवन सिर्फ एक ही प्लैनेट पर मौजूद था और वो थी धरती, क्योंकि एक तो यहाँ पर पानी था और दूसरा ये बाकी प्लैनेट्स की तरह ना तो सूरज के बहुत पास थी और ना ही बहुत दूर। अगर धरती सूरज के पास होती तो ये सबसे गर्म प्लैनेट होता, और अगर सूरज से सबसे दूर होती तो ये सबसे ठंडा प्लैनेट होता। अर्थ के सूरज से सही दूरी पर होने की वजह से ही जीवन सिर्फ धरती पर ही था। अगर पृथ्वी पर जीवन होने की वजह पृथ्वी का सूरज से सही दूरी पर होना था, तो इसी तरह और भी कई प्लैनेट्स हैं जो ऑर्बिट पर अर्थ से या तो कुछ पॉइंट आगे हैं या कुछ पॉइंट पीछे हैं। क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी और ग्रह पर जीवन हो सकता है? साइंटिस्टों ने इस बात पर कई सालों तक रिसर्च की है और रिसर्च के दौरान दूसरे प्लैनेट्स पर पानी के सूखे टुकड़े भी मिले हैं। विशेषज्ञों ने इस बात को माना है कि पृथ्वी के अलावा भी कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां जीवन हो सकता है। लेकिन अगर वहां जीवन मौजूद है तो जिस तरह धरती पर इंसानों और जानवरों का बसेरा है, क्या वहाँ भी ऐसा ही होगा? क्या वो लोग हम जैसे ही दिखते होंगे या हमसे अलग? शायद इसका जवाब है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हम चांद पर गए हैं, मार्स और जुपिटर पर हमने स्पेस शटल्स भेजे हैं, उसी तरह वो लोग भी हमारी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे, और शायद इसीलिए कई बार उड़न तश्तरियाँ यानी UFOs भी दिखे हैं।